आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं उसका नाम है दम पुख्त। दम फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी सांस के हैं। कोई भी चीज जो देखने का मुंह बंद करके भाप पर पकाई जाए उसको दम पुख्त कहते हैं। तारीख बताती है कि पकाने के लिए दम का तरीकाकार फारसी अंदाज के खानों से आया और ये मुमकिन तौर पर ईरान से अफगानिस्तान के रस्ते पर स्पीड सफर करके पहुंचा। तो आइए हम दम पुख्त बनाने का आगाज करते हैं। इसके लिए मैंने छोटे गोश्त का इंतखाब किया। सबसे पहले हम चर्बी के टुकड़े रखेंगे। बाज लोगों को चर्बी की स्मेल खाने में पसंद नहीं होती, इसलिए आप चर्बी की जगह अपनी मर्जी का कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं आज की डिश में चर्बी के साथ ऑयल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। चर्बी रखने के बाद आपने गोश्त के टुकड़े रखने हैं और इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त के जो पीसेस हैं वो छोटे ना हो। इसके बाद आलू रखेंगे। आलू आप साबुत भी रख सकते हैं और उनको सेंटर से काट के भी रख सकते हैं। इसके बाद लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज का छिलका उतार लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैंने 2.5 किलो गोश्त में 2 अदद लहसुन और 6 अदद दरमियाने साइज के प्याज का इस्तेमाल किया। इसके बाद 5 साबुत टमाटर और 10 के करीब हरी मिर्चें रख देंगे क्योंकि इसमें सिर्फ मिर्चों का हमने इस्तेमाल नहीं करना। और दोबारा से जो गोश्त बाकी था उसकी तह लगा ली। अब हम इसमें 4 से 5 अदद नींबू का रस डालेंगे। एक चम्मच काली मिर्च डालेंगे। एक चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे। एक ही चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी अदरक जिसको हमने पीस लिया था वो इसमें हम शामिल करेंगे। एक कप तेल डालेंगे क्योंकि हमने चर्बी का इस्तेमाल कम किया है इसलिए हम ऑयल को यूज कर रहे हैं। एक कप पानी डालेंगे और ये ऑप्शनल है। अगर आपने गोश्त को खुश्क रखना है तो आप पानी का इस्तेमाल ना करें। अब हम दम लगाने के लिए तेजके पर आटा लगाएंगे। आटा इस तरह से लगाएं कि कहीं से भी भाप बाहर निकल ना सके। अब तेजके को ढककर कम से कम 3 घंटों के लिए हल्की आंच पर चूल्हे पे रख दें। अगर आप लकड़ियों की आग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। तेजका चूल्हे पर रखने के बाद इसके ऊपर कोई भी भारी चीज रख दें ताकि भाप बाहर ना निकले। नाजरीन 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम एहतियात से ढक्कन की साइड से आटा उतार लेंगे। दम पुख्त बिल्कुल तैयार है और बहुत मजेदार लग रहा है। आइए हम देखते हैं कि ये सही तरह से गल चुका है कि नहीं।
ये देखें नाजरीन, ये बहुत सुंदर तरीके से गल चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।